अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। लिव विद प्ले के साथ एक बार फिर मैं आपकी होस्ट शेफरा आपके सामने। कैसे जा रहे हैं रोजे? अच्छे जा रहे हैं ना? मेरे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं रोजे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन वही थोड़ा सा दुख हो रहा है कि रोजे जो है बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहे हैं, रमजान शरीफ जा रहा है। लेकिन जितने भी दिन हमारे पास रहे हैं हम उसमें भरपूर इबादत करें, अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएं, प्यार मोहब्बत से रहें और उन लोगों का खास तौर पे ख्याल रखें जो इन हालात में परेशान हैं, जो परेशानी से गुजर रहे हैं। आप क्योंकि हम हमारी आदत होती है ना, हम पता करें उसके घर में क्या हुआ, इसके घर में क्या हुआ। लेकिन अब ये मौका है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि कौन परेशान है, कौन बता नहीं सकता, किसको जरूरत है हमारी, तो ये जानने की जरूरत है। पता है क्या, बहुत खुशी होती है। वैसे भी हम नेकी करते तो नेकी का हमें एक तो बदला बहुत ज्यादा मिल जाता है, और रमजान मुबारक के महीने में आप जो नेकी करेंगे उसका तो आपको बहुत ज्यादा ही सवाब मिलेगा। तो हम यहाँ पे बहुत मजे मजे की कुकिंग भी करने वाले हैं। कुकिंग तो होती ही रहती है, मैं आपको सिखाती ही रहती हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छे गेस्ट होते हैं, बहुत ही मजे मजे की बातें करते हैं जो हमारे प्रोग्राम को एक शान देते हैं और एक मजा देते हैं और एक इतना मजा आता है ना उनकी बातों में। लेकिन आज के जो मेरे साथ आर्टिस्ट हैं वो बहुत अच्छे अदाकार भी हैं, तबीयतन तो बड़े चुलबुले से हैं। उनके साथ आप बैठ जाए ना तो ऐसी बातें करते हैं कि आपकी हंसी जो है वो कंट्रोल ही नहीं होती, उनकी बातें होती और हम हंसते रहे होते हैं। तो मैंने जहां तक उनको समझा है तो वो आपको खुश कर रहे होते हैं। देखिए, खुश करना और ये भी एक नेकी होती है, हंसाना, वरना लोग थोड़ा भी मुंह बना के बैठे हुए होते हैं, बात करो लेकिन उनमें ऐसी कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह से मैंने कोई एटीट्यूड नहीं देखा, बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो मेरे साथ क्या करूं, मैं बुलाऊ? जी नहीं, मैं अभी नहीं बुलाऊंगी, क्यों नहीं बुलाऊंगी, आपके लिए सरप्राइज होना चाहिए। आपने बोला आज क्या हो गया फराह को, आज तो जल्दी से बुला लिया, ऐसे थोड़ी बुलाते हैं अच्छे गेस्ट को। तो सबसे पहले मैं कहां जाऊंगी, मैं यहाँ पे जाऊंगी डिटॉल के काउंटर पर, सिंक पर, क्योंकि मैंने अभी अपनी कुकिंग स्टार्ट करनी है। खाना बनाने से पहले आपको जरूरी है अपने हाथ की सफाई करना, क्योंकि हम खाना बना रहे होते हैं तो पूरा घर इस खाने को खा रहा होता है। तो हम साफ रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे तो पूरे घर को हम साफ रखेंगे। डिटॉल से मैंने अपने हाथों को साफ किया, धोया, पूरे 20 सेकंड तक जरूरी है अपने हाथों को धोना, क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है। साफ सुथरे रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, जब सेहतमंद रहेंगे तो जो वायरस है, बैक्टीरिया, हमसे बहुत दूर चला जाएगा और हम और हमारा घराना खुशहाल रहेंगे और हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी साफ सुथरा रखेंगे, सेहतमंद रखेंगे। इसके साथ मैंने अपनी सफाई तो की, हम अपनी सफाई तो करते ही करते हैं, लेकिन किचन की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे घर की सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको कोई वायरस ना लग जाए, वो बीमार ना हो जाए, तो डिटॉल का स्प्रे करना वो बहुत ही जरूरी है। मैं अपने किचन में डेली डिटॉल का स्प्रे करती हूँ, उसको साफ करती हूँ। और इस बात का ख्याल रखें, डिटॉल का जब स्प्रे आप कर लें तो आप तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद अपनी कुकिंग का आगाज करें, ताकि आप हर कोई परेशानी से आप बच जाए। तो डिटॉल का तब तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से, फिर हम अपनी कुकिंग का आगाज करेंगे। जब तक ये ड्राई हो जाता है मैं अपने गेस्ट को बुलाऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ज्यादा आपने उनको टेलीविजन पे देखा है, बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं और भी क्या क्या करते हैं, कहाँ मसरूफ होते हैं, क्या चल रहा है जिंदगी में, रमजान कैसे गुजर रहा है, तो उनको बुलाया ना लिया जाए। तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं शारिक महमूद, तो मैं उनको दावत देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शारिक आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये तो डिसाइड होगा जब आप एक हमारा सेगमेंट जीतेंगे। ठीक है, ये बताइए कि पहले तो हैंड सैनिटाइज़, हाँ, वो बहुत लाजिम है। मैं तो डिटॉल से मैं तो इसको साफ कर चुकी हूं। आपको ये मालूम है ना कि जाली चीजें बड़ी घूमती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बड़ा अच्छा वुडवर्ड का वो मिला है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग घर में हैं, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा आपकी हिफाजत के लिए जरूरी आप घर में रहें। माशाल्लाह बहुत काम करते हैं शारिक आप, तो कैसा लग रहा है एकदम से घर के अंदर बैठ जाना, जो पिछले दिनों में बिल्कुल हम अपने घर में बैठ गए थे, तो कैसा लगा आपको? लिटरली मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करता, बहुत जो काम अल्लाह ताला दिया जा रहा तो मैं किया जा रहा। लेकिन हम तो टेलीविजन पे देखते रहते हैं, वो इत्तेफाक ये होता है कि चीजें शूट हो रही होती है, एक साथ ऑन एयर आ रही होती है, तो बहुत सारे खाली पैचेस भी होते हैं, हम एक्टर शो नहीं करते, तो हम मासूम लोगों को क्या पता, हम जो देखेंगे वही बताएंगे, हम सीधे साधे लोगों को क्या पता। हम उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत व्लॉग्स वगैरह कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज बड़ी अच्छी चीज है, मैंने देखा कि जो हमारे दोस्त विद नॉर्मल आप स्कूलिंग वगैरह करते हैं, तो आपके दोस्त कोई बैंकिंग में लग गया, कोई अकाउंट्स में चला गया, कोई किसी का 9 to 5 वाली जॉब, जो कि एक्चुअली 9 to 8 or 9 to 9 होती है। हम लोगों को मीडिया वालों का एडवांटेज होता है कि हम फैमिलीज को वैसे ही ज्यादा टाइम, तो हमारा लॉकडाउन टाइप का माहौल पहले से बना हुआ बना सरप्राइजिंग नहीं था। हाँ, जब ये कि अब बाहर नहीं निकल सके, और बच्चों को मैं देख रहा हूँ
बच्चों के लिए बड़ा इशू हुआ कि बच्चे लॉक होकर बैठ गए। हाँ सही। कब से है मीडिया में आप? तकरीबन समझे पाकिस्तान बनने के लिए नहीं, मैं बहुत पहले से हूँ। अच्छा ये समझे एक शो आता था, मैं आपको बताता हूँ, म्यूजिक चैनल चार्ट। कितना अर्सा हुआ है? 25 to 30 years। माशाल्लाह। और आप कह रहे हैं कि मैंने इतना काम नहीं किया? अगर आप बाकी लोगों को उठाएं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप फैसल कुरैशी को उठा लें, बॉसों को उठाएं, तो उनका आपको साइज नजर आएगा कि कितना काम किया मैंने, उतना नहीं किया। अच्छा मेरा एक और, मैं ऑडियो का भी बहुत काम करता हूँ, मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ, मैं एज अ ऑडियो प्रोड्यूसर मार्केट में भी काम करता हूँ, मैं कमर्शियल डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनाता हूँ, तो इस वजह से मेरा ये वाला काम नहीं, मेरा मिलजुल के बहुत सारा काम चलता है। अच्छा फिल्म में काम किया है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दो फिल्में की हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्मों में या टेलीविजन पर, कोई फर्क लगा या कहाँ मजा आया ज्यादा आपको? यार ये एक बड़ी डिबेटेबल बात है, देखें हर चीज का अपना मजा है। अगर आप टेलीविजन की भी अगर बाइफिकेशन करें तो टेलीविजन के अंदर यू गॉट सिटकॉम्स, आपके पास टेलीविजन की पूरी इंडस्ट्री जो न्यूज वाली है, फिर ड्रामा वाली है। तो मैं न्यूज से मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने इनफैक्ट म्यूजिक चैनल से स्टार्ट लिया, रेडियो के आरजे से स्टार्ट लिया, थिएटर किया, फिर उससे होता हुआ मैं न्यूज में आया। वॉइस ओवर भी करते हैं? सॉरी, आपको एक बड़ी वॉइस ओवर जो आपको भी शायद पता होगा, बाकी आपको ना बताऊं, आपने अगर इश्क ममनू देखा तो बैलून की वॉइस ओवर मैंने की। जरा थोड़ा सा बता देना कोई अच्छा सा फेमस सा कोई डायलॉग उनका। डायलॉग तो वो कुछ तो बता दो। बैलून चला। वो एक खास वो होती है, देखें वो हम माइक में करो थे बंद स्टूडियो में, तो उसके अंदर आप आवाज के जरा मजीद गुर इस्तेमाल करो। वाह आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो आप खेल सकते हैं। अगर आप ऑडियो का अंदर, खैर मैं आपको बताता हूं, इन सब चीजों का अपना मजा है। ऐसा नहीं है कि न्यूज बहुत बोरिंग है, मैं न्यूज पे भी रह चुका हूँ, वो भी बहुत मजे का काम है वो। इनफैक्ट मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि फिल्म वगैरह तो अपनी जगह में अभी बड़ी हमारे पास आए में, एक ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था मैरियट के पास, और उस वक्त हमारी हम जियो में थे, उस वक्त हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, तो हमने वो जाके लाइव कवर किया, तो उसका उसका अपना एक एक एक, एक फील होती है, फील होती है जो आपने अपनी आँखों से देखा। ये नहीं कह सकते ये अच्छा था बुरा था, फिल्म का अपना मजा है। फिल्म वाकई थोड़ा सा टफ काम होता है, बड़े फ्रेम्स होते हैं उसके साथ करना होता है, ड्रामे में आप बहुत क्लोज में आ जाते हैं। सबसे मुश्किल जो मुझे लगा वो लगा सीरियस काम। अच्छा, सीरियस हाँ। बहुत मुश्किल है, हम या तो आपकी अपनी तबियत में चुलबुलापन होता है। आपने एक्शन मूवीज भी की है, कोई एक्शन काम भी किया है? मैंने मैंने एक लीड विलन का कैरेक्टर किया। अच्छा, लीड विलन बना था और खूब कत्ल वगैरह। कितनी लगी थी आपको चोट? चोट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी, अबू अलह तो उसके डायरेक्टर, और बड़ी एक स्मॉल बजट फिल्म थी और बहुत मजे का हमारा एक्सपीरियंस था। कितनी बार गिरे थे? टिश, टिश, गिरे कई बार, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको प्लान कर लिया था कि यार छोटे नहीं लगवाना, क्यों आगे भी सीन करना, उसके बाद दोबारा सीन नहीं करवाना। उसमें कॉस्ट बहुत हाई होती, बजट बहुत लगा हुआ था एक दिन की, तो हमने फिर उसके लिए मिट्टी के लेयरिंग कराई थी, ज्यादा चोट ना लगे, गिरे भी तो चोट में चोट ना, मिट्टी में भी थोड़ी बहुत चोट लगती है। लड़के हैं और कराची के पले में इतनी चोटें तो पता नहीं क्या क्या देखा हुआ है। शावेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक तो शावेज का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और पीकाबू शावेज का एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो जो शावेज है मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो वो मेरे अपने बच्चे भी माशाल्लाह, मेरा सबसे छोटा वाला है 13 years, ठीक है, तो वो शावेज को देख के मुझे अपने बच्चे भी याद आते हैं, तो मेरा उसके साथ बड़ा शूट के अलावा भी लगा रहता है, शूट पे भी रहता है वो। आपको डैड कह के पुकारता है? डैड हमने, हाँ भाई, सिर्फ वो मुझे डैड नहीं कहता, उसकी अम्मा, उसके अब्बा, उसकी दादी भी मुझे डैड कहते हैं, ताकि सब वो उसने सुनाई, हाँ ये साहब का नाम डैड है, डैड रख दिया आप नाम ही यही है। अच्छा आप ये मुझे बताइए कि जो आप अपने आप बाय नेचर आप कैसे हैं, संजीदा हैं या फिर आप बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं? स्लैंग सीरियस है या बहुत ज्यादा, क्योंकि आप तो बड़े चुलबुले हैं, मैंने अभी आपको देखा था मेकअप रूम में, आप हर बात में एक्टिंग करना ये करना, तो आप अपने घर में भी ऐसे ही रहते हैं, दोस्तों में ऐसे ही रहते हैं या बहुत संजीदा रहते हैं? ऐसे ही ऐसे ही रहते हैं, घर में भी ऐसे रहते हैं। वो कहते हैं ना अल्लाह ने ये डिफॉल्ट प्रोडक्ट बनाई थी, मान लो यार, तो फिर आपसे कोई मेरे ख्याल से नाराज नहीं होता होगा? अगर नाराज हो तो आपको पता लग जाता होगा, नाराज है चलो हटा दो उसको। यार कुछ लोग आपके ज्यादा खरा होने पे बुरा मान सकते हैं, आप ज्यादा सच बोले तो आपका हम काफी, आपको पता तो रमजान है इस वक्त लोग थोड़ा सा टोन डाउन होते हैं, वरना लोग ऊपर कुछ होते हैं अंदर कुछ होते हैं, तो वो उनको खरे लोग बर्दाश्त नहीं है, तो करें आप, आपको अल्लाह के आगे जवाब दो ना यार, आप अल्लाह को सामने रखें। कौन से कैरेक्टर करने में आपको मुश्किलात पेश आई? मुझे यार सीरियस करने में बहुत मुश्किल होता है, सीरियस के अंदर मैं जबकि खुद तबीयतन कुछ सीरियस आता हूँ, ठीक है ना, और मैं वो फलसफा भी पढ़ रहा होता हूँ, रिलीजन का भी बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन सीरियस जब आप काम करो तो एक, क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन यूं करके होते हैं, आप देख रहे हैं तो आप सीधा देख रहे हैं, आप आंखें भी नहीं झपकेंगे, ये आपको टेक और हिलना विलना भी नहीं है, तो वो अच्छा डायरेक्टर हो तो मैं निकाल जाता हूँ काम। अगर डायरेक्टर हल्का हो तो आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर एक्चुअली, तो डायरेक्टर मुझसे जो निकलवा लेता है तो मैं वो निकाल देता हूँ। अच्छा, नहीं होता बंदर का तमाशा, तो बंदर भी सर यूं करके दिखा, वो मैं कर लेता हूँ। आपको क्या लगता है मूवी का स्कोप कितना है हमारे
तो लग गए, मतलब अब कौन सी मूवी, सिनेमाज बंद हो जाएंगे, जो अब करोड़ है आपके यहाँ सारी इज्तिमाई जगह बंद हो जानी है। अभी लोग अभी तक कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार तेरा भाई जो है ना अभी दिसंबर में यहाँ जाने का प्लान करे, भाई एयरपोर्ट अभी जो जिसका जिक्र नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा इस कोरोना के बाद जो चीज डैमेज होनी है वो ट्रैवलिंग होनी है, टूरिज्म इंडस्ट्री, आपकी होटल इंडस्ट्री, आपको एमिरेट जैसी एयरलाइन के पता नहीं कितने मुलाजमी बिठा दी, अभी बैठे हम बुलाते हैं बताते हैं। तो अच्छा शोबिज की तरफ किसने आपको, किसी ने कहा था कि भाई आप तो माशाल्लाह इतने स्मार्ट इतने हैंडसम है, आपको तो जाना चाहिए, खुद ही शौक हुआ कि भाई मैंने तो शोबिज में ही जाना है। यार असल में हम जब पले बढ़े तो हमने मोइन अख्तर और ये सब देखा, हमने हसनात भाई देखे, हमने जेदी देखे, तो वो मेरा भाई भी देख रहा होगा, मेरे कजन और भी 10 लोग देख रहे हैं। आप में अल्लाह ताला आपको बनाता है यार, आप थोड़े से टेढ़ी मिट्टी कहते तो आपको वही मोइन अख्तर ही नजर आया, रश लगा बड़ा आपको मोइन अख्तर नजर आ रहा है, रश लगा आपको सलीम नासिर नजर आ रहा है, आपको कली खान नजर आ रहे हैं, ठीक है, अली एजाज नजर आ रहे हैं आपको, तो जो इस तरह उमर शरीफ, तो ये सारे आपका इंस्टीट्यूट है, ये ट्रेनिंग करके आपको निकालता है। तो खुद मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने तो एमबीए किया हुआ है, मेरे घर वालों में मतलब मुझे कहा जाता चल ये बच्चा तो हाथ से निकल गया बेचारा है, फिर जब मैं कहता आप क्या करते हैं, मीडिया में काम करते, नहीं वो तो करते, करते क्या हो, तो मीडिया को कभी कोई सीरियस नहीं लेता, एग्जैक्टली ऐसे ही, वरना हम लोग ज्यादा टफ टाइम दे रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, एक्टिंग ना करते तो क्या करते आप, मुझे नजर आया कि दुनिया में हमारे लाल तरबूज होता है ना अंदर से, दुनिया में एक पीला तरबूज है, लेट्स डू समथिंग, जैसे कलर नहीं लगा के काले गुलाब का, मुझे ये वाले बड़े हो रहे हैं, अच्छा दुनिया देखे वैसी ऑर्गेनिक की तरफ और अपनी, मतलब मुझे ये लगता है अगर ये लॉकडाउन होता और आपकी छोटी सी जमीन होती, अपने अंडे, अपनी बकरियां, अपने गाय, अपनी सब्जी, अपना फल, क्या ऑर्गेनिक चीजों की तरफ बड़ी। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे शारिक के साथ बात करते हुए, और मैं जो सवाल पूछना चाहती हूँ उसका जवाब पहले से आ जाता है, पहले से आ जाता है जवाब, तो और भी मजीद बातें करेंगे, लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ सेगमेंट इनके साथ है और कुकिंग है, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहेगा, क्योंकि आज हम बना रहे हैं पास्ता, बना रहे हैं जो कि अवन में बेक्ड होगा, बड़ा मजे का, बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं, तो ब्रेक के बाद आते हैं पास्ता बनाते हैं। वेलकम बैक टू लिव विद प्ले, मेरे साथ शारिक महमूद मौजूद है जिनसे मैं बहुत मजे मजे की बातें कर रही थी, और अभी एक सेगमेंट है उनके साथ, अब मैं देखती हूँ कि वो उनको क्या पता है क्या नहीं पता है किचन की चीजों के बारे में, उनको कहते हैं ना मैं घर पे रहता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ा, अब मैं देखती हूँ किचन की चीजों के बारे में इनको पता है या नहीं पता। जल्दी से मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलती हूँ, फिर मुझे अपने गेस्ट से बातें भी करनी है। रेसिपी में बताऊँ कि मैं आज बना रही हूँ बेक पास्ता, मैक्रोनी भी ले सकते हैं, पास्ता भी ले सकते हैं, पेनी पास्ता भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, या मैंने मुझे मैक्रोनी मिली तो मैंने वो ले ली, पास्ता भी आप ले सकते हैं, इसको बॉईल करके मैंने रख दिया है। इसके बबाद मैंने इसमें लिया है तकरीबन मेरे पास ये है 1.5 पाव के करीब चिकन है जिसको मैंने स्ट्रिप में काट लिया है, अगर आप जिस तरह से आप चाहें छोटी छोटी बोटियां भी काट सकती हैं इसकी, चादर चीज है, मोजरेला चीज है, लेकिन ये तो बहुत जरूरी है, ये आपको लेना जरूरी है, ठीक है, ये आप ले लीजिएगा, इसके बगैर आपका पास्ता जो है वो बनेगा नहीं। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया हुआ है मैदा, क्योंकि मैं इसकी व्हाइट सॉस जो है वो घर में बनाऊंगी, घर में मेरा किचन मेरा घर ही तो है, मैं इसमें बनाऊंगी। मक्खन है इसके अंदर और ये चिकन पाउडर, अगर चिकन पाउडर नहीं है आपके पास, चिकन की यखनी भी यूज कर सकती हैं आप, इसमें कोई मसला नहीं है, और क्यूब भी यूज कर सकते हैं, क्यूब आपके पास मौजूद है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये है मेरे पास व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर दोनों चीजें हैं, और ये है जैतून, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, और ये ओरिगानो, ये मेरे पास सारी चीजें हैं, आपने देख ली जो जो अजीजा हमें दरकार है वो सारी चीजें मैंने ऐड कर दी। और बनेगा किसमें, ये बनेगा डालडा कुकिंग ऑयल में, क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल हमारी सेहत का ख्याल रखता है, हमारे जायके को खराब नहीं होने देता, गजाइत को भरपूर अंदाज में महफूज करता है, तो डालडा कुकिंग ऑयल के बगैर किचन के कोई भी कुकिंग नहीं हो सकती, मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो सकती, अब तो आपसे भी नहीं हो सकती, तो जरूरी है, तो आप इसी में सारे खाना बनाएं। शारिक के पास मैं अभी आऊंगी, शारिक हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है, बहुत मासूम सा प्यारा सा, उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज होती नहीं है। मुझे एक सवाल का जवाब दे, ये चिकन पाउडर क्या, चिकन को सुखा के फिर उसको ग्राइंड करके तो पाउडर बनाते हैं? जी बिल्कुल, सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, दाल में भी यूज कर सकते हैं। आप उसको यूज ना बताएं मुझे, सिर्फ ये सिस्टम समझाएं, ये चिकन पाउडर कैसे, इस तरह मुझे काओ पाउडर चाहिए, काओ पाउडर गाय को सुखाएंगे धूप में, फिर गाय को फिर ये वाली जो बातें ना वो सेगमेंट में आपका पीछे नहीं लेके जाऊंगी, सेगमेंट तो मैं करूंगी, आप मुझे सेगमेंट से पहले पूछ के इस बातों में, छोटा सा सेगमेंट है, किचन की तरफ आना जाना होता है
किचन की तरफ मैं करता हूँ, थोड़ी बहुत कुकिंग भी करता हूँ, थोड़ी बहुत कर लेते हैं, ज्यादा चीजें नहीं बना रहे, रेगुलर चीजें नहीं, वो छोटा स्टेक रोज बना लिया, टेढ़ी मेढ़ी चीजें बच्चों के साथ, छोटी मोटी स्टेक, छोटी मोटी चीजें, उसमें साइंस है, आपको पता है, स्टेक ज्यादा वो नहीं है, मैरिनेशन वगैरह। तो जी हम देख लेते हैं क्या क्या इनको बनाना आता है, लेकिन अभी थोड़ा सा मसाले देख लेना, मसाले तो देख लेना, इनको पता ही नहीं पता। तो हम आपके पास मसाले लेके आएंगे, किचन के मसाले हैं, बहुत ही आम से मसाले, लोग हर अपने खाने में इसको ऐड करते रहते हैं, तो वो मसाले मैं आपके पास लेकर आऊंगी, आपने इसको छूना है प्यार से और थोड़ा सा सूंघना है क्योंकि रोजा है, तो आप मुझे बताएंगे कौन सा मसाला है। आपकी तरफ छींकना है, इधर करके छींकना, जब मसाले आप छिंकवाएंगे, आप सूंघवा रही हैं, गरम मसाला ले आई हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, ऐसे मसाले देंगे, कोरोना की इज्जत मैं भी नहीं करता ना, आप करती है, तो आप जो मसाला सूंघवाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप अपनी पट्टी बांधे चले, बहुत बातें होगी, पट्टी बांधे आंखों पे चले, ये तो बहुत बातें होगी। मुझे टोन ऐसा लगा की बेगम ने चौड़ छिका के अपना पट्टा बांध ले, आप बहुत, ये आजकल कोरोना में क्या करना है भाई, ये वाली आपके पास क्या बॉल में पट्टी बंधी हुई है, ये तो नियात लगा रहा, मैं अपना मास्क बांध देता हूँ, आंखें मीच लूं मैं क्या करूं। ये बिल्कुल साफ है, ये इससे ज्यादा साफ नहीं है, चले इसमें सिर्फ मेरे जाति जर्म्स है और किसी के जर्म्स, ठीक है ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है, दिखना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, अच्छा चलो मैं यूं कर लेता हूँ, कुट्टी टाइप का, ये तो फिर हमारा सेगमेंट पूरा का पूरा खराब हो जाएगा ना, आप ये चाह रही है ना मैं देखूं, चलो ये तो आपको नजर आएगा, ये दिखेगा दिखेगा इससे दिखेगा, हाँ दिख रहा है ये है, और ये गरम मसाला मैं क्या कर सकता हूँ, चिकन पाउडर, क्योंकि हमारे मेहमान है, हमें उनकी थोड़ी बहुत तो माननी पड़ेगी, बाकी तो मेरे हाथ में है बनवाना, लेकिन मैं अपने ग्लव्स पहन लूँ, और कोई बात नहीं, देखते ना आगे आएंगे तो यही पड़ा मेरे किचन में, भी देख लेती हूँ मैं, कर ले अपनी मनमानियाँ, तो मैं लेकर व्हाइट पेपर पर मसाले सब नजर आ रहे हैं, ये सब दिख रहा है, ये वाला देखिए यहाँ पे होल नजर आ रहे हैं, सब दिख रहा है, हाँ हाथ में, अब मसाला बताइए कौन सा है, छू के बताए, कहाँ छू, चूलिया हवा है, तो कुछ नहीं है, ताई तो हवा है, हवा है, कुछ ताई नहीं छुआ मैंने, बाय गॉड हवा है, ये ले ये क्या है बताए, ये है क्या है, मतलब आप क्या समझ, इल्मे नजूम थोड़ी आता मुझे, हाँ तो इल्मे नजूम वाले तो बहुत देर लगाते हैं, आपको आता नहीं, बहुत अच्छी बात है, जल्दी बताए क्या है, क्या जल्दी बताए, हाँ हाँ मैंने आपको पहले कहा था, खाने की चीज़, अरे आपका रोजा खुद ही आपका रोजा टूटेगा, मुझे क्या है, मेरा रोजा तो बरकरार है, आप भूल गए ना, आंखों पे पट्टी, इसको कहते हैं आंखों पे पट्टी बांधना, अरे ये तो वो अजीरा, हाँ भाई सही सही जवाब दे, बस दे दे, आप गिफ्ट की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका एक कदम तो बढ़ गया गिफ्ट की तरफ, हाँ बहुत बड़ा गिफ्ट है, आपको पता ही नहीं है इसके बारे में, तो लीजिए ये क्या है ये बताए, ये बहुत ही, हाँ ये बहुत मसालों में अब इसको ऐड करते हैं, गोल गोल काली काली वो तो नहीं है, आप मुझे क्या पता क्या है, अंडे में डालते हैं वो, एक काली मिर्ची थी, गर्म मसाला में कंफ्यूज होता हूँ, वो जो अंडे में जो डालते हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं आंखों पे पट्टी आपकी क्यों बनवाती, ये वो मैंने बता दी थी, ये अंडे वाली चीज है, अंडे वाली चीज है, काली मिर्च गर्म मसाला, लॉक कर लूं आपके आंसर को, लॉक करूं, सही है यार, मुझे असल में अभी तक अपने हाथ में जीरे की स्मेल आ रही है, हमारे मसाले इतने खालिस हैं तो जारी बातें आए, दीजिए मुझे दीजिए, सबर नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता, क्या लाल मिर्च यार, ये नहीं नहीं लाल मिर्च चली जाएगी, लाल वो है धनिया, वाह ये बड़े स्मार्ट है ना, बड़े करीब जाके वो करके ना फिर बोला ये तो धनिया, ये बताएं, ये तो आपको पता होगा, सही है, आपको दिल भी चाह रहा होगा, खा लो, की रोजा है, मैं बड़ी चराक हूँ, ऐसी ऐसी चीजें नहीं, आप मुझे बचा के भी रखनी है ना, घर ले जाऊँ, नहीं इलायची बिल्कुल भी नहीं है, देखिए क्या है, जल्दी बताएं, मूंगफली है, अखरोट है, क्यों देते जा रही हूँ मैं आपको, किशमिश है, ये नहीं किशमिश तो नहीं है, मूंगफली के कोई रिश्तेदार नहीं, फैमिली तो वही है सारी, नर्स की फैमिली है, बता दिया मैंने, अखरोट भी नहीं है, किशमिश भी नहीं है, अंगूर होगा, एक और दें साबुत में, फिर अंगूर होगा, ये सारा चूरा कर दिया, क्रश करना था आपने कर लिया, पिस्ता है, अरे बस आपने ये मास आंखों से हटा ले, आपका मास आंखों से हटा ले, मास्क जो कि सिर्फ मेरे जाति जर्म्स हैं इसमें, ये भी हमारा सैनिटाइज किया हुआ था, हमारे पूरे सेट पे डिटॉल का स्प्रे होता रहता है, हम बहुत ख्याल रखते हैं, नहीं आपने इतराज नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम बहुत साफ सुथरे माहौल में गेस्ट को बुलाते हैं, छोड़ दो और जिस पे अपने उसको अपना लिया मैंने, सैनिटाइज करते हैं बार बार, आ जाइए हमारे किचन में, आ जाइए हमारे किचन में, आप आ जाइए, आपने आंसर बिल्कुल सही दिए, और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कुकिंग करेंगे, आपको आती है ना कुकिंग करना, आप मेरे साथ कुकिंग करेंगे, और अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि क्या होने वाला है, किस तरह से कौन से स्टेप आपने फॉलो करना है, आपने खुद कुकिंग करनी है, ठीक है, तो इस एपिसोड के पैसे भी मुझे मिलेंगे, किसके, आप मुझे देंगे पैसे, मैं आपको सिखा रही हूं, मुझे नहीं सीखना, कुकिंग क्लासेस के कितने पैसे होते हैं, मुझे नहीं सीखना, मैं यूट्यूब पे देख लूंगा,
मुफ्त में। शेफ फरा आपको सिखा रही है, आपको पास्ता बनाना सिखा रही है, इसमें कोई छोटी बात है, मामूली बात है। चलो मैं आपको एक ओपनिंग देता हूँ, आपको पता है महबूब खान के शुरू के 100 एपिसोड एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैंने किए, वहीं से मुझे कुकिंग का शौक हुआ है। खान साहब से पूछ लिएगा, गवाह है। अमसा कामरान मेरे बड़े बड़े लॉबस्टर के शो में काम करना चाहती हूँ। अब बताए क्या करना है, लेट्स डू इट। ठीक है, अच्छा हमने सॉस नहीं, सारी कटिंग चॉपिंग हमारी की हुई है, हमने एक जगह पे सॉस बनानी है, एक जगह पे हमने, मैं यहाँ पर चिकन का मसाला तैयार करूंगी, यहाँ पे सॉस बनाऊंगी, क्योंकि आपसे फिर बातें भी तो होंगी ना, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें होंगी, तो इस वजह से ये कहाँ रख दिया, ये किचन में यहाँ रखते हैं क्या, खिलाते हैं यही तो लाए लाए ऐसे क्या होते हैं, घर वाले धक्का देके निकालते हैं किचन से, क्या करते हैं, जो मुहिम करनी करे, मैं पकाने से मेरा ताल्लुक है, उसके बाद जो चीजें मैं उठा, बहुत फैलाते होंगे फिर तो आप। सही बात है, मैंने कब दावा किया नहीं फैलाता, मैंने कब पकाता हूँ, आपने पकाने का पूछा था, मैंने कहा पकाता हूँ, पका लेता हूँ। तो ये तो बहुत बुरी बात है ना फैलाना, देखे ना खवातीन की भी कदर करे ना, आपके ये खाना भी बनाती है और रखती भी है, सारा सामान भी रखती है, इनको इनग्रीडियंट का पता होता है, इनके मसालों का पता होता है, इनकी सारी चीजों का पता होता है, आपको फिर आप तो फैला देते हैं सारी चीजों को, गलत बात है। मैं बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि गाड़ी में क्या क्या पार्ट बदलवाए, उसमें कौन कौन सी सर्विस हुई, उसमें किस मैकेनिक के पास गए, तो फिर आप कैसे गाड़ी चलाएंगे, कमजोरों की गाड़ी चलाएंगे क्या, खाना खाना जरूरी है, सामान लेना जरूरी है, किचन का काम करना जरूरी है, आई बात समझ में, यार बड़ा असली टाइप का घरेलू माहौल लग रहा है यार, नॉन स्टॉप, वाओ आई लाइक इट, इधर क्या करना है, चले चले चले, अब ये मसाला वो नहीं होता, करंट अफेयर में लड़ाई हो रही है, पार्टी है, पार्टी भी फिर बाद में चाय पी रहे, हाय कैसे बता क्या चल रहा है, पीछे यही होता है, वो बाद में उसकी पॉलिसी पे एतराज कर रहे थे, असल में आपने जो अपने लोग भर्ती कर लिया ना, और जो करप्शन किया है, तो ये मुर्गी के अंदर आपने करप्शन किया है, ये कब तक चुपेगा, ये देखे नाजरीन, क्या करना, ऑयल दाल दाल कुकिंग ऑयल, मुझे तो रोजा लगने लगा, डाल रही हूँ इसमें तक वन टेबल स्पून, डालडा ये कह रहा हूँ, डाल रही हूँ आप, मैं जहाँ डालडा वहाँ मामता, माँ प्यार करते हैं ना, डालडा भी मुझे प्यार करता है, हमारे खाने की गिजायत को बरकरार रखता है, टेस्ट देता, अभी 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 नहीं, अभी ये नहीं ऐड करना, ये नहीं ऐड करना, अच्छा आपने अब इसमें मक्खन जो है वो आपने वन टीस्पून, बटर देखे ना कहाँ है, ये तो ये नहीं पता, ये नहीं, ये क्या बनाते हैं, खाना क्या बनाते थे, आपने कुछ बताया था मुझे, स्टेक बनाते हैं, बस 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 बस, वन टी स्पून तो बहुत हो गया, ये मुझे दे दीजिए आप, यहाँ रख दीजिए, मैं खुद ही ले लूंगी, घुमाने के तो दे, घुमाओ ही हो बाबा, किचन में कभी आते जाते हो तो पता होगा, घुमाने फिराने का घुमाने फिराने का ही सामने नहीं होता, खुदा मैं इसमें नहीं आया, ये तो कोई स्टूडियो है भाई, किचन थोड़ी है, ये किचन ही हमारा घर के किचन से भी बहुत खूबसूरत है, बता किचन ही तो है ये, और क्या है, स्टूडियो है, लेकिन जो हमारी सारी चीजें होती है ना घुमाने फिराने की, सैरो तफरी की, वो पीछे रखी हुई होती है, ये पकड़े, अच्छा इसमें अब मैंने शामिल कर देना, मैं आ जाती हूँ, क्योंकि डिस्टेंस रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने चिकन इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है, चिकन इसके अंदर आप ऐड कर दे, और मैं यहाँ पर व्हाइट सॉस बनाने वाली हूँ, व्हाइट सॉस में बनाऊंगी मक्खन से, ठीक है, हमने यहाँ पर जो इनकी बातों में बातों में हो रहा है, हमारे बर्तन ना तोड़े, हमारे बर्तन, मुझे लगता है आज हमारे बर्तन जाएंगे, यार ये आज आज सही है, ये थोड़ा जल नहीं रहा है, इसको मैं दोबारा से जला रही हूँ, हाँ, अब जल चुका है, बटर में डाला है, मैं इसमें व्हाइट सॉस बना रही हूँ, यहाँ पर जो हमारा बन रहा है चिकन बन रहा है, मसाला बन रहा है, अगर हम चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट वाले कर ले तो बेहतर नहीं होता, नहीं नहीं इसी के साथ ही पक जाएगा मैरिनेट, इसी के साथ बन जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अफ्तार में जो होता है ना मैरिनेशन का, और इसका टाइम बहुत कम रह जाता है, ठीक है, तो हम अच्छा चले पहले से, अगर ये उन लोगों के लिए कुकिंग है फास्ट वाली, जिनके पास टाइम नहीं होता, क्या करूँ आग नहीं खुली, अच्छा कहाँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, घर के काम होते, क्योंकि बच्चे भी घर में, फिर हस्बैंड भी घर में है, तो उनकी भी सुनो, कोई बात नहीं, आप खुद ही काम करें, नहीं ये क्यों, ये क्या है, इसके पीछे क्यों पड़ गए आप, ये चीज है चादर चीज मोतीला चीज, आप इसके पीछे ही पड़ गए हैं, बार बार इसको हाथ लगा रहे हैं, अब इसमें देखिए काली मिर्च ये ले आप, अच्छा काली मिर्च तो आपको पता है, मैं कंफ्यूज हूं कौन सा, अच्छा आप यहाँ हो जाएंगे, मैं मसाला ऐड कर दूं, हां आप कहती हैं आपसे करवाऊंगी, करवा रही हैं, नहीं आपको, आप कह रहे हैं ना आपको नहीं पता, तो मैं लाइव बट ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, ये काली मिर्च 1 टीस्पून, मसाले कम, क्योंकि आप जब पास्ता बनाते हैं और इफ्तार में स्पेशली कुछ आप खाना बनाते हैं तो आप उसमें मिर्च मसाले कम ऐड करें, ये है नमक ये 1 टीस्पून, और ये है कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन, इसको देती हूँ, घर में ऐसे ही करते हैं आप, चलाए जाओ खाने को, भुने जाओ बेचारे को, आराम नहीं दे रहे, सब पे लगना चाहिए ना, सब पे चिकन बेजार हो रही है, चिकन बेजार हो रही है, सब पे कोटिंग होगा तो फिर मजा आएगा, हो जाएगी, अभी पकेगी ना, अभी पकी कहाँ है ये, अच्छा ये व्हाइट पेपर ये तकरीबन 1/2 टीस्पून,
इसमें लम्स नहीं बनेंगे। अच्छा ये चिकन पाउडर ये मैंने ऐड कर दिया। अब चिकन को देखो आपको सुखाना है, चिकन जब धूप में सूख जाए उसको फिर ग्राइंडर में ओरिगानो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और मैं थोड़ा सा मैं कवर कर दूंगी ताकि ये पकता रहे और मैं यहाँ पे व्हाइट सॉस बना लूंगी। बस ये हो गया, बस बस आपने इसको खूब घुमा फिरा दिया। पास्ता में रख दे कोई बात नहीं इसमें, हाँ इसमें रख दे, हमने बनाना है। अच्छा व्हाइट सॉस के लिए मैंने यहाँ पे बटर ले लिया था 1 टेबल स्पून भर के। अब आप मुझे मैदा देंगे वहां से उठा के। मैदा ये व्हाइट वाला नहीं नहीं ये हाँ ये वाला मैदा, ठीक है ये आपने मैदा देना है मुझे। और मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मैं चिकन की तरफ चली गई थी, तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अच्छा आप लॉकडाउन में क्योंकि माशाल्लाह आपको बड़े चिल्ले मस्तियां मस्तियां करते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ सोच ऐसी आती है कि ये कब सब सही होगा, ऐसी कुछ सोच आती है? यार एक मैं एक आयत पढ़ी और मुझे बड़ा इफेक्टिव लगी, कोई भी मुसीबत अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आती है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और जो हमें बताया जा रहा है, जो हमारे बड़े बता रहे हैं, लेट्स ट्राई टू फॉलो दैट। जिसको कितना करें, हाँ ये है कि काम तो नहीं हो सकते, काम धंधे तो किस तरीके से हमें तो अपने आसपास के लोगों को जो अपने वर्कर्स हैं स्पेशली हमारे उनको हमें समझाना जरूरी है कि यार डिस्टेंस रखो, काम धंधे चलते रहे। बचपन में कोई निकनेम हो आपका या शारिक कहते हैं सब? शारिक बचपन से शारिक, बहुत से मेरे जानने वाले शार्क शार्क मछली इस तरह की आवाज लगाते हैं। शार्क मछली ये भी कहते हैं? वाह भाई अपने बारे में कोई 3 सच बातें मुझे बताइए। पूरी किताब बताए ना कोई लोगों को ना पता हो, सच बातें लोगों को ना पता हो कि आपके बारे में कोई ऐसी बात हो। आप जैसे कि आप कोई सिंगिंग करते हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीज खाने का शौक है या किसी से मिलने का शौक नहीं है या जो ऐसी बात है जो जो किसी को पता नहीं तो बेहतर है किसी को ना पता हो। ऑल पर क्यों हमने बुलाया, क्यों है बातें उगलवाने के लिए तो बुलाया है। ऑल पर मिल्क तकरीबन मैं इसमें 1 ग्लास के करीब इसके अंदर शामिल करूंगी और इसको मैं पकाऊंगी थोड़ा सा ताकि ये हमारी अच्छी सी व्हाइट सॉस बन जाए। मेरा ग्लव्स अंदर चला गया, ऐसे ही होता है काम करते करते अच्छा पसंदीदा डायलॉग कौन सा आपका, कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगता है बोलना? मुझे कोई डायलॉग मैंने मिमिक्री अभी तो आप सिंधी इतना बोले जा रहे जब से आए हो जो आप कह रही हो तो मैं बता रहा हूँ उसका एतराज जो मैं बता रहा हूँ कह रही आप एक बार बता रहा हूँ मैं आपको भाई मुझे कोई पर्टिकुलर डायलॉग नहीं पसंद है। मुझे सारे जो पाकिस्तान के एक्सेंट्स है ना जितनी अपनी रीजनल बहुत मजे की लगती है। अच्छा और सिर्फ पाकिस्तानी इंडिया की भी है अफगानिस्तान वगैरह तो वो जो लहजों का मजा है ना आप सिंधी लहजा सुने ब्यूटीफुल या बलोचो को सुने उनके तो वो उनके जो ओरिजिनल होते हैं वो बहुत मजा। अच्छा लिव विद प्ले जरा बोल के दिखाएं सिंधी में लिव विद प्ले। हां मुझे सिंधी लैंग्वेज नहीं आती है मुझे सिर्फ एक्सेंट एक्सेंट वही वाला लिव विद प्ले डाडो सुचो शिवाय वेरी गुड। पठानी में बोले पठानी में भाई चैन के लिव विद प्ले बहुत अच्छे छो है तुम्हारा अपना है देखो बहुत मजा करो मेरा भाई। पंजाबी में बोल के दिखाएं देखिए मेरी बहन ये जो है लिव विद प्ले जो है बड़ा कमाल रो क्यों रहे हैं रो क्यों रहे हैं? नहीं मैं रो नहीं रहा अब हंस रही है आप इधर रो आप ऐसे मत हंसे मेरी हंसी छूट जानी है ना करें प्लीज। शारिक से बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है अब मैं इनकी बताती हूँ हंसी कैसे छूट गई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं और शारिक से बहुत अच्छी बातें करते हैं तो आप जाइए ब्रेक पे ब्रेक। वेलकम बैक टू लिव विद प्ले और चिकन हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है और साथ ही साथ मैंने व्हाइट सॉस भी तैयार कर ली है। मैं जल्दी से बता दूं ब्रेक में मैंने थोड़ा सा चूल्हा हमारा बर्तन शिफ्ट कर दिया चूल्हे पे क्योंकि तेज चलता है तो मैंने जल्दी से बना ली। मक्खन लिया था इसमें मैंने मैदा शामिल किया था दूध शामिल किया था बाद में मैंने इसके अंदर व्हाइट पेपर शामिल किया था थोड़ा सा नमक शामिल किया चादर चीज शामिल किया इस तरह से हमारी ये सॉस बन गई। अब हम इसे मिक्स करेंगे किस तरह से हमने इसको मिक्स करना है मैं पीछे रख देती हूँ बेक करने के लिए रख देना है। ये मेरा प्लेटर है इसमें मैंने इसको हाँ इसको बेक करेंगे बस थोड़ी देर। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर दिया है बहुत सारी चीजें कुक करने के बाद बेक भी होती है मतलब है कि सिर्फ चीज को मेल्ट करने के लिए हम मेल्ट करने के लिए नहीं वो कुक तो है चीज मेल्ट हो जाएगी इसका कलर आ जाएगा जब बेक्ड होती है तो उसका टेस्ट अलग होता है। अच्छा, वैसे आप खाएंगे तो जी एग्जैक्टली तो चीज के लिए हम बेक कर रहे हैं बिल्कुल हाँ आपका सवाल बिल्कुल सही था आपके सवाल कभी गलत हो सकते हैं आपका हो गया। अगला सवाल आपके लिए मेरे भाई अच्छा कौन सा ऐसा कैरेक्टर करना चाहते हैं जो कभी भी नहीं किया हो बताएं। वैसे आपने बहुत सारे कैरेक्टर किए तो होंगे लेकिन होता है ना कि ये वाला मैंने आज तक नहीं किया मुझे करना है। व्हाइट सॉस इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने घर में बनाई हुई है मेरे किचन में और घर में एक ही बात होती है सही है ना
हम बनाते ना, अच्छा बड़ी खुशी होती है, पिज्जा बाहर से बहुत खाते रहते हैं, घर पे कोई बना ले तो कितनी खुशी, मैंने बनाया ऐसे ही होता है ना, केक आप बाहर से खाते हैं लेकिन घर पे बन जाए तो आपको ऐसा होता है कि मैंने बनाया। तो ये घर की जो चीजें होती है ना बनी हुई, वो बहुत ही अच्छी लगती है। इसको हमने मिक्स कर दिया अच्छे से, और मिक्स करने के बाद मैं इसको बेक करने के लिए खा सकता नहीं हूँ, पका सकता नहीं हूँ, ये कौन सी जाती है? अरे क्यों नहीं खा सकते, अफ्तार के लिए हमने आपको बुलाया है ना, अफ्तार के लिए हमने आपको बुलाया, अफ्तारी करवाएंगे, आपसे बातें भी कर रहे हैं, अफ्तारी भी आपको करवाएंगे, वो कहा गया इसके अंदर, चल इसके अंदर तो डिश आउट करें ना, इसके अंदर रखे हाँ, इसके अंदर निकाल दे जल्दी से, इसको बेक करने के लिए रखना है, इसके अंदर निकाले, कितना मुश्किल काम है, मैं कोई बात नहीं, मुश्किल अच्छा काम है, अब आउट कर रहा हूं, आपने बड़े बड़े सही जवाब दिए थे ना, इसीलिए अब जल्दी कर रहे हैं, इतनी देर लगा रहे हैं, रेस्ट तो रोजे में हूं ना, रोजे में रोजा लग रहा है, बहुत मुश्किल दे दिया ना, लेकिन अब आके आपके लिए बहुत मुश्किल है, चेक करो भाई सही है, इसको हाथ में तो पकड़े ना, ये तो काम कर ही सकते हैं, हाँ इतना सा तो काम है, हाथ में पकड़े इसको, मैंने ये क्रीमी जो हमारे मैक्रोनी है, पास्ता है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें बनाए, रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करें। से मुझे आप कभी मकरान कोस्टल हाईवे पे गई हैं? नहीं मैं नहीं गई, अच्छा, मकरान में कभी भी नहीं गई। अच्छा अब ये मैक्रोनी से याद आ गया, चेदर चीज, मोजरेला चीज, मैं दोनों चीजें इसमें ऐड करूंगी, और इसको मोजरेला आपने मिक्स क्यों किया, मुझे इसका जवाब नहीं, क्योंकि दोनों ऐड करते हैं, चेदर चीज होती है आपके टेस्ट के लिए होती है, मोजरेला जो आपका स्लाइस निकलता है, यस तो वो होती है, तो दोनों डालना जरूरी है, डाल देती तो मोजरेले का अकेला मजा बुरा तो नहीं होता, मैं मेरी रेसिपी मेरी मर्जी, ये चीज ये तो सुना हुआ लग रहा है कि मेरी रेसिपी मेरी मर्जी, इस पे बड़े फसाद हुए हैं, तो इसमें मैं तो साथ हूं उसके, हमें जो भी खाना पड़ेगा है ना, देखा ना, देखा ये होना चाहिए, आपके से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं खोलूं कौन सा दरवाजा, खोल अभी नहीं अभी एक सेकंड, मैं इसमें जैतून डाल रही हूँ इसके अंदर, कौन सा दरवाजा, आप ओवन का बोल रहे हैं, अच्छा ओवन को मैंने पहले से तकरीबन 10 मिनट पहले से कर दिया है, 220 डिग्री पे, वो जरूरी होता है जो ओवन यूज करते हैं उनके लिए, उनको पता होगा कि ये बहुत जरूरी होता है प्री हीट करना, आपने प्री हीट का, धनिया देखिए, जब भी आप लोगों खवातीन के लिए बड़ा अच्छा आइडिया, जब आपको कहीं जाना हो शॉपिंग के लिए तो पहले प्री हीट कर ले, मियां को तैयार कर ले के देखो जाना है, तुम ऐसे नहीं खाली बेस करना है, आपको क्या लगता है खवातीन नहीं करती, करती है बहुत करती है, अब ये जा रहा है इसमें बताने के लिए, प्लीज आपका आपकी रुचि देखिए, प्लीज आप देखिए कितने, ये देखिए सीखे, एक सेकंड देखिए, चले मैं थक जाऊंगी, चले इसको हमने बंद कर दिया, और तकरीबन इसको क्योंकि सारी चीजें हमारी पकी हुई है तो मैं इसको 5 मिनट दूंगी कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए, पकी हुई। और अब हाँ पकी हुई, कौन पक गया है आप पक गए अरे अभी तो और भी चीजें हैं, और सारी बातें हैं, रेसिपी है, आपने वो जामी शीरी पिया होगा, वो पानी में डाल के पीते हैं, लेमन डाल के पीते हैं, पुदीना डाल के पीते हैं, बर्फ डाल के पीते हैं, और भी दूध डाल के पीते, बहुत तरीकों से आपने पिया होगा, कर्शी का जामी शीरी आपने पिया होगा जरूर, बच्चा तो डायरेक्ट मुंह लगा के पीता, मुंह लगा पीते ना, ये तो मैंने कहा ना, बताया ना, लेकिन आपने लस्सी नहीं पी होगी किसी ने, कर्शी का जामी शीरी की लस्सी जो मैं बनाने वाली हूँ वो नहीं पी होगी आपने, मैं क्या यूरोप में पैदा हुआ हूँ कि मैंने लस्सी के साथ इसको ट्राई नहीं किया होगा, अब आपने की है तो वो आपका अपना मसला है, की नहीं बताएं, बिल्कुल भी नहीं की, अभी अभी कोई नंबर है तो उस पर प्लीज ईमेल और इनको व्हाट्सएप करके बताएं, अभी फोन आ जाएगा, अभी कॉल आएगी, आप कॉल करें, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं पीता, और लोग देखे मुझे नहीं बहुत कम लोग पीते हैं, लेकिन हमारा शो होता है वो पूरी दुनिया के लिए होता है, सिर्फ आपके लिए थोड़ी होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, सिर्फ दो लोग बोलते हैं मैंने पिया है, और यहाँ पर इतने सारे लोग बोलते हैं मैंने नहीं पिया, तो मैं इनके लिए बना रही हूँ, ठीक है, आप सबके लिए है, दूध शामिल कर रही हूँ ऑलपर का, तकरीबन मैं 2 ग्लास के करीब, क्योंकि शारिक हमारे मेहमान है तो इनके लिए भी बना रही हूँ, इन्होंने पी होगी, लेकिन अब मेरे हाथ की तो आप कर्शी की जामी शीरी की आपने बिल्कुल भी लस्सी नहीं पी होगी, ऑलपर इसमें मिला हुआ अभी तो बिल्कुल भी नहीं पिया होगा, जामी शीरी का होना या आपके हाथ का होना, आज जामी शीरी का होना, ऑलपर का होना, और फिर जाहिर बात मैं तो हुई यही तो है ना, अच्छा ये है तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर दही, दही दही मैंने शामिल किया क्योंकि लस्सी है तो दही इसमें शामिल करेंगे, चीनी का इस्तेमाल भी करेंगे क्योंकि कभी कभार दही जो है ना खट्टा आ जाता है, टेस्ट आपका खराब हो जाता है, तो 1 टेबल स्पून क्योंकि जामी कर्शी का जामी शीरी जो है वो भी ऑलरेडी मीठा होता है, तो नहीं जैसे कोई चीज हाथ में नहीं आती, अंगूर खट्टे हैं तो वो वाला चीज नहीं, नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता, दही का कुछ हो जाती है ऐसी मिस्टेक तो वो खट्टा हो जाता है, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कर्शी का जामी शीरी, बहुत 2 टेबल स्पून है, ये 2 टेबल स्पून है, हाँ क्या करूँ रोजा, अरे आपने भी मेरा मजाक नहीं देखा है, मैं तो आपने गेस्ट तो मैं मजाक कर नहीं रही हूँ, सबसे सवाल करती है मुझे बताएं आज तक कितनी दफा ब्लेंडर यू करके आपके ऊपर आया है, बहुत दफा
एक दफा सबके साथ हुआ है। अच्छा मुझसे तो लोग सवाल करते नहीं, मेरे पास जवाब बहुत सारे लोग सवाल करते नहीं है क्योंकि हम खाना बना रहे होते हैं और मैं जो है ना जारी बात है लाइव शो ज्यादा कर रही होती, ये भी लाइव शो जा रहा है तो शोज कर रहे होते, उसमें बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं। मैं बहुत दफा गिर भी गई हूँ, गिर भी चुकी हूँ, फिर भी खड़ी हुई हूँ क्योंकि ये सारी चीजें वो होती हैं जो आपके किचन में होती है। आप किचन में ऐसे तो नहीं आते ना, आए चलिए जी खाना बनाए, चलिए जी ऐसा कर, ऐसा कोई भी नहीं होता है। ठीक है, चीजें टकराती हैं, खराब होती हैं, गिरती हैं, टूटती हैं, आप भी गिरते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं तो ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होता है। अनहोनी बात लेकिन मेरे साथ तो किसी ने भी इशू नहीं बनाया कि मैं बहुत दफा गिर भी गई हूँ और लग भी गया है और क्या जल भी। एक दफा मेरी स्लीव्स पूरी जल गई थी, मैं खाना बना रही थी तो ये सारी चीज थी। अच्छा आप पे बहुत सारे इल्जाम हैं। हाँ अच्छा इल्जाम है ना, अभी दे देती हूँ ना, आपको इल्जाम दे देती हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, आप कोई भी बात करते ना गलत बात भी आप ऐसे करते कॉन्फिडेंस के साथ कि आप जीत गए। सच्ची है क्या ये बात? पता नहीं यार, ये मैंने पहली दफा सुना, अगर कोई ऐसा सुना इल्जाम है, इल्जाम है। अच्छा ये मेरे ऊपर भी इल्जाम है, मुझे भी देते हैं। हाँ मुझे भी देते हैं, तो आप बताए ना अपनी तरीके से क्या जवाब देंगे। मेरा तरीका ये है, मैं बगैर किसी चीज को रिसर्च या तस्दीक के बगैर किसी को मैं कोई बात आगे कोट ही नहीं करूंगा। अच्छा, अगर आपकी कहीं भी बात है मैं आपको कहूंगा कि भाई आप कह रही थी बताइए, आप कह रही थी, मैं कभी उसको ओन ही नहीं करूंगा। नहीं गाएंगे, मतलब आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं रखते हैं। बिल्कुल जाहिलाना तरीन बात है, रिलीजियसली भी गलत है, माशरती तौर पर भी गलत है। लोग तो लेकिन इल्जाम लगा लेते हैं ना, लोग तो सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। मेरी बात सुने लोग, पता क्या करते हैं, आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको नहीं जानते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा, ऐसे तो बहुत है ना, मानते नहीं उनको। अगर आप बोलते तो उनका क्या हशर होगा? अरे उनका तो बहुत बुरा, एग्जैक्टली ऐसा होता है। और हम आर्टिस्ट लोगों के साथ ज्यादा होता है क्योंकि हम सामने सब हमें देख रहे हैं, ये बड़ा इशू। देखिए मेरा अपना जाति ख्याल है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन सिवाय अल्लाह के किसी और को जवाब देने का कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। दुनिया को हम चेंज नहीं कर सकते, हम उनके दिमाग को चेंज नहीं कर सकते। वो तो बिल्कुल दूध के धुले, जो दूसरों पे कहते हैं वो तो सब दूध के धुले ना। आपकी एक पिक्चर लग जाए इसके इतने कमेंट्स होते हैं कि उस हकीकत को आपको भी नहीं पता होता, उनको पता होता है। लोग करते हैं ना ये चीज, तो ये रियलिटी आपके पूरे फैमिली के बारे में बता देते हैं जी। एक हमारे सवाल हमारे कोलीग थे जो जो एक नेगेटिव कैरेक्टर करे, तो हाँ, उनको बाकायदा रोक के कहा खातून ने, तुम सही नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो ऐसा है ना बताया। भाई वो बेचारा एक्टर है, तो मैं वही कह रही हूँ कि उन लोगों के लिए कौन सा आपका आंसर है जो वो लोग ऐसा समझते हैं और ऐसा सोचते हैं। नहीं देखिए हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मसला क्या है, आप अगर उनको आपने देखा है कि हमारे पास जो चैनल्स आ रहे हैं कोई 30-40 चैनल्स एक ही टाइप का कंटेंट है। पॉलिटिकल वो फड्डे वड्डे हो रहे थे दो पार्टीज में, दूसरी साइड पे आए तो ड्रामे चल रहे होंगे जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उस तरह के टॉपिक हो, तीसरी तरफ आए तो एक रिलीजियस वाली साइड। बिल्कुल हमारे कोई साइंटिफिक शोज नहीं आ रहे, हमारे कोई बच्चों के शोज नहीं आ रहे, तो आप देखिए हम अपने बच्चों को खिला क्या रहे यार। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। हमारी पास्ता मैक्रोनी जो हमने बेक किया हुआ था वो हमारा तैयार है। देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है, बहुत अच्छा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जब आप बेक करते हैं तो आप खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट में फर्क पड़ जाता है। तो हम शारिक वहां चलेंगे, हमें अपनी ये डिश को लेके आती है, उठा ले ना, गिरेगा तो कोई मुझ पे एतराज ना करे। ओए आराम आराम से, ये हमने इफ्तारी करनी है, हमने देखने वाले हैं। बिल्कुल हम दोनों चलते हैं आ जाए। वो चीजें नहीं सर्व करते क्यों, जरूरी है रिश्ता देखने, रिश्ता देखने वालों के लिए सर्व करे। नहीं नहीं अपने लिए भी काम करना चाहिए, और ऐसे कभी नहीं काम अपने काम के होता है, शॉर्ट्स मैंने में होते हैं। हां भाई हां किधर वही, लेकिन घर की खवातीन का तो ये होता है ना, एक पूरी कोशिश होती है कि घर में जितने भी लोग हैं उसके लिए अच्छा सा जो खाना बना रही है अच्छा प्रेजेंट करें उनके लिए ताकि तारीफ हो। तो आप खाएं तो भी तारीफ करें, तो उनकी जो मेहनत होती है ना वो सारी की सारी वो कवर हो जाती है। बेहतरीन प्रेजेंटेशन और फूड का टेस्ट हो तो यू नो नहीं फूड का टेस्ट बिल्कुल होगा, टेस्ट भी होगा जब इतनी खालिस चीजों से हमने डालडा से बनाया, कशी का जामे शीरी यूज किया, ऑलपर का मिल्क यूज किया, तो क्यों टेस्ट क्यों नहीं होगा। नहीं बिल्कुल होगा। और अब हम जो बात कर रहे थे कि जो आजकल वबा फैली हुई है तो उसमें कोई दवाइयां वगैरह नहीं है, तो जितनी कुदरती गजाएं ले सकते हैं कुदरती गजाएं लें, अपने अपनी इम्यूनिटी मजबूत करें और ये कचरा खाने से आजकल प्रोसेस फूड से बच जाएं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आप देखिए ना, हम जब अपने घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं तो हम माशाल्लाह से जो बीमारियां थी, पेट का दर्द हो रहा था तो हड्डियों में दर्द हो रहा था, तो ऑर्गेनिक खाना खाने से क्या होता है कि आप हेल्दी रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। और अगर आपको हल्का फुल्का नजला खांसी जुकाम हो जाता है तो आप ये ना समझे कोरोना है, हर चीज को आप ये ना कहें कि कोरोना है, अफवाहें ना फैलाएं, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। नजला खांसी जुकाम हो रहा है तो कशी का जौहर जशांदा इस्तेमाल करें, जरूर आपको फायदा होगा। नहीं मैं आपको एक अच्छी सी बात बताऊं, शूट्स पे हमारे पास खाना आता है तो हमारे बहुत सारे कोलीग्स बैठे हुए होते हैं, तो घरों अब पहले होता था कि बाजार से खाना आता था, अब ये है कि घरों में बनते हैं खाने और उनसे लिया जाता है, तो
बहुत से लोगों ने कहा भाई ये कौन सा खिला रहा है, मैंने कहा भाई जो घर का बना हुआ होता है वो सबसे हेल्दीएस्ट खाना होता है, उसमें तेल पुराना कभी नहीं पड़ा होगा, इंग्रेडिएंट्स सारे फ्रेश होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मुझे मजा आया, बहुत इंजॉय किया और बड़ी अच्छी लस्सी बनाई आपने। थैंक यू। मैंने लस्सी की बात की, मैं तो बहुत अच्छी बनाती हूँ। आप लस्सी की बात करें, खाने बहुत ही अच्छे बनाती हूँ। अच्छा जी जनाब, और पकाती भी बहुत ही अच्छा। अरे मैं बिल्कुल रोजाना मैं गेस्ट के साथ मजे मजे के खाने बना रही होती हूँ। बहुत मजे गेस्ट बहुत बनाती है, मेरा काम ही यही बनाना। बहुत शुक्रिया, तभी तो लोग एंजॉय करते ना। अगर मैं आप क्या चाहते हैं, वैसे करूं, मसाला डाला तो नमक डाला तो एक दफा, बुरी बात है। देखिए बहुत बड़ी उम्र की जिनकी आप नकल उतारनी है, बहुत बुजुर्ग है, बुरी बात है, करना नहीं चाहिए। किसी की भी नकल बहुत बुरी बात है, रमजान ओवरऑल बात कर रही है। मैं किसी की भी नहीं उतार रही, मैं अपनी उतार रही जो मैं पहले जमाने में किया करती थी, वैसे करती तो नहीं थी मैं। आप 20 साल बाद ऐसे कर रही हैं बेटा जी, ये पान आ गया क्या? अभी से मैं एक्टिंग कर, पान में अभी नहीं खाती, मैं बाद में खाऊंगी जी। मजे मजे की बातें हो रही है, इफ्तार का वक्त करीब है, मेरे तो जाने को बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, क्योंकि आपको भी तैयारी करनी है और मुझे भी थोड़ी बहुत हमारे मेहमान है शारिक, तो मुझे भी थोड़ी सी तैयारी करनी है इफ्तार की। तो आप क्या करनी है, कर तो ली, और भी तो चीजें बनानी है ना आपके लिए। कपड़े चेंज करके आएंगी और दोबारा तैयार होके कहेंगी इफ्तारी हो गई तैयारी, क्या मतलब? जाहिर बात है जब पूरा दिन बंदा काम करता है तो इफ्तारी के वक्त क्या उसी कपड़ों से बैठ जाए? अच्छे कपड़े साफ सुथरे तैयार होता है। कौन सा किचन में आप काम करें तो आपको, किचन में अगर आप काम करें तो पता लगे ना आप क्या चाहते हो, वही पसीने में भरी हुई किचन में इफ्तारी में बैठ जाए। मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं, आप भी ऐसे नहीं है। तैयार होके इफ्तारी की दस्तरखान पे टेबल पे बैठा करें, ऐसे मर्दों को बोलने दिया करें, आप अच्छे दिखे मत। तो हमारा शो देखते रहिए और हमें अपना फीडबैक देते रहिए। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में याद रखिए और आपने बड़ा ही एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज। बेक्ड मैक्रोनी, मैक्रोनी उबली, एक कप चेदर चीज, मोजरेला चीज, कद्दू कश की हुई एक कप, मक्खन 1 टेबल स्पून, दूध 1 ग्लास, मैदा 2 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चिकन की बोटियाँ आधा किलो, लहसुन चॉप 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ओरिगानो 1 टीस्पून, थाइम 1 टीस्पून, वाइट मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जैतून ग्रीन तकरीबन 2 टेबल स्पून।